आज औरंगाबाद शहर में हम एक पत्रकार परिषद लिए हुए है। ये पत्रकार परिषद इसलिए लिए हुए है कि लोकसभा निवडणूक के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कौन सी भी राजकीय पक्ष ने मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी। उसके बाद अब परसों विधान परिषद की जो निवडणूक हो गई, उस निवडणूक के अंदर भी कोई भी पक्ष ने मुस्लिम समाज का उम्मीदवार नहीं दिया। इसलिए जो आने वाली जो विधानसभा की निवडणूक है, इस विधानसभा के निवडणूक के अंदर हमको मुस्लिम समाज को राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवार, उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस आए, ये जो पक्ष है, ये पक्ष के तरफ हम 13% मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देना, ऐसी हमारी मांगनी है। पहले ये नहीं तो दूसरा पर्याय ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी जिले, हर जिले में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधित्व को विधानसभा निवडणूक लड़ने के लिए टिकट देना, ऐसा हमारा बोलना है। एक महाविकास आघाड़ी की दूसरी पार्टियां नहीं, हम तो हमारा समाज फिलहाल इसके महाविकास अधिकारी आघाड़ी है, उसके तरफ ज्यादा कल है। क्यों तो वो मुस्लिम समाज के प्रश्न छोड़ाएगा, ऐसा हमारे समाज को भी उस भरोसा है, इसलिए ये करते हैं। और भाजपा के तो हमारे मुस्लिम समाज के पूरा अपोज में काम चल रहा है, इसलिए उधर नहीं जाने वाला। और MIM जो है, MIM के पीछे लग के फिर समाज की दिशा बोल करना, यानी समाज को पीछे ले जाना, ये हमारा काम नहीं है। दूसरे जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी स्पष्ट भूमिका ऐसी है कि हम महाविकास आघाड़ी के जो भी वो और उनके घटक पक्ष, इनके लिए हम काम करेंगे। महाराष्ट्र में क्या जनजागृति करने वाले जी? हम मेलावे लेंगे, बैठक लेंगे और सभा लेंगे, ये जनजागृति करेंगे। उसका एक ये बोल के हम 22 तारीख को लातूर में हमारा एक बड़ी बैठक है मराठवाड़ा लेवल की, वहाँ भी कार्यकर्ता बुला के, उसके बाद वहाँ पे ठहरेगा कि महाराष्ट्र के पूरे लोगों को हम जो है यहाँ पे बुला, औरंगाबाद के अंदर ही वो बड़ा मेलावा होने वाला है, उसके अंदर हम पूरा चुनाव से पहले आपको विभाग जो है ना, आपके पदाधिकारी को बैठक आपको देना चाहिए। हाँ, विभाग है महाराष्ट्र में 60 सीट ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम समाज जिधर वोटिंग दिया उधर चुन के आ जाते, ऐसे कोई भी उम्मीदवार नहीं। मुस्लिम समाज भी जो है तो बंटवारा हो जाता है, उसका बंटवारा होता है, वंचित है, वंचित के साथ भी मुस्लिम समाज है, MIM के साथ भी महाविकास आघाड़ी के उनके तरफ भी होगा, लेकिन सब में ज्यादा परसेंटेज जो रहेगा वो महाविकास आघाड़ी के तरफ रहेगा, ऐसा हम ऐसा हमारा बोलना भी है। आपको लगता है ऐसा आने वाले इलेक्शन में MIM का मदद नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। शेखपुरा अब्दुल रशीद सर।